रिलेटिवली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एट द कैंपस वो कम होंगे, तो एडमिनिस्टर करना ज्यादा आसान होगा इंस्टेड के आप आधी AS और आधी A2 को बुलाएं। ठीक है, लेट्स सी कि किस तरह से ये तमाम तर चीजें होंगी। और ये जहन में रखिएगा कि इट्स हार्डली गोइंग टू बी अ मंथ अराउंड, जो इस तरह से एक हाइब्रिड मॉडल टाइप की चीज जो होगी उसको स्टार्ट किया जाएगा। एंड देन होपफुली आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस जो है ये पेरेंट्स का भी बढ़ना शुरू होगा, आपका भी बढ़ना शुरू होगा, हमारा टीचर्स का भी बढ़ना शुरू होगा, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज का भी बढ़ना शुरू होगा। सो वी विल हैव आर रेगुलर थ्रू आउट ईयर क्लासेस। ठीक है, उस पर फिर इस तरह की हम लोग, हमें आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, वन नंबर टू चीज है, बिफोर आई मूव ऑन विद दिस थिंग, जो आप लोगों को SOPs बताए जाएंगे, ये मैं अपनी थोड़ी सी इस वीक में मैंने हर क्लास के अंदर जाके ये बात करनी है, जो आपको SOPs बताए जाएंगे उसमें किसी तरह का भी आपको वो टोपी ड्रामे नहीं करने कि यार छोड़ना क्या मसला है यार, इतना भी नहीं होता, एंड सो ऑन एंड सो, ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें जो हैं काफी इफेक्ट हो सकती हैं, किसी एक स्टूडेंट की भी निग्लिजेंस जो है वो बाकी पूरे कॉलेज और बाकी पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए काफी परेशान कौन हो सकती है। तो यू पीपल आर ऑल्सो वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एंड हैव टू प्ले अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। मैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी कॉलेजेस, सब अपनी तरफ से खेल खेलने की कोशिश करेंगे, सब अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे टू परफॉर्म वेल। और मैं आप लोगों के सामने मास्क पहन के खड़ा हुआ हूँगा, या मैंने अपने सामने वो शील्ड जो है वो लगाई हुई होगी। आई वुड प्रेफर द शील्ड वन, मैं शील्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा। अजीब सी वेल्डिंग सी शील्ड है, वो मैंने ली हुई है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी, व्हेन यू पीपल आर ऑन द कैंपस लाइफ इज टोटली डिफरेंट। अभी बिल्कुल ये कैंपस, हर कॉलेज का कैंपस जो है इट्स टोटली डिजर्टेड, टोटली डिजर्टेड इन द सेंस के इट्स बिन लाइक मोर देन 6-7 months नाउ वी हैवन सीन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, बच्चों का आना जाना जो वो होता है एक तरह की जो जिंदगी का जो फैक्टर आता है वो बिल्कुल नहीं है। इट्स टोटली डिजर्टेड, ओनली टीचर्स आर रोमिंग अराउंड एंड अच्छा जी, सो आप लोग जरा थोड़ा सा तैयारी शेयरी करना शुरू कर दें कि सुबह उठना है और कॉलेज आना। सही है, आदतें थोड़ी सी खराब हुई हुई आप लोगों की, तो इसको जो है अब थोड़ा सा आप लोग, ये वीक जो है ये थोड़ा सा आप लोगों का क्या कह सकते हैं, वार्म अप सेशन हो सकता है। जल्दी उठें, 7 बजे के करीब उठें, फजर पढ़ लें तो अच्छी बात ही है, फजर पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा अल्लाह कर लें थोड़ी सी, और 7 बजे के करीब आप लोग बिल्कुल रेडी हों कॉलेज आने के लिए। और आई होप कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, होपफुली इंशाल्लाह। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर दानिश तपस्वी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर पढ़ाई, जो पढ़ाई हमारी थी उस पढ़ाई के लिहाज से हमने काम करना था। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम कंप्लीट नहीं कर रहे। ठीक है, और मैं फिर आपसे ये बात कहूँगा कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ या जो भी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स या पढ़ाने में हमारा काम आपको लेक्चर डिलीवर करना है, आपका काम सुनना है और उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ बच्चों ने जो मुझे अपने काम भेजे उनमें बहुत एक बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ नहीं आया वो ये था कि वट एवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, या जो मैंने आप लोगों को रेड में लिखवाया या कुछ लिखवाया, आपने बस वही लिखा हुआ है, उसके आगे पीछे जो मैंने बातें की हैं, जो ऑडियो में मैंने बातें की हुई हैं, जो मैंने लिखी नहीं है, वो कोई बच्चा काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप जब सिर्फ उस चीज को पढ़ोगे और आपने वो छोटे पॉइंटर्स जो हैं, जब वो मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ, वो आप नहीं लिखोगे, इवन दो दैट इज ऑल ऑन रिकॉर्डिंग। एक या दो लेक्चर ऐसे होंगे जो रिकॉर्डिंग पे नहीं होंगे, बाकी सारे लेक्चर्स आर ऑन रिकॉर्ड। तो आप लोग उन लेक्चर्स को सुनकर, इट्स नॉट लाइक के सिर्फ वो स्टूडेंट जो एब्सेंट हो गया वो लेक्चर्स को इस्तेमाल करें, तमाम तर स्टूडेंट्स जो के लेक्चर्स सुन चुके हैं, जो लाइव क्लास ले चुके हैं,
उनके लिए भी लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है और उतने ही जरूरी है दोबारा रिविजिट करना, ताकि आप लोग, जैसे मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग चाहें जाके रिविजिट करें लेक्चर्स को, लेक्चर्स को रिविजिट करने के बाद आप उनको देखें कौन सा पॉइंट ऐसा था जो आप लिखने से रह गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप लिखें। सो आपका नोट जो है, जो आप जो नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स उस वक्त बनेंगे, वो नोट्स की शक्ल में उस वक्त आएंगे जब जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो आपने पूरा लिखा हुआ हो, जो एक कुछ बच्चों ने लिखा हुआ भी है, और किताब में से या लेक्चर में से कोई आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है? तो वो भी आप लिखिए, सही? तो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जब रजिस्टर चेकिंग जब होती है, या मैं जब रजिस्टर चेकिंग करता हूँ, उसमें मुझे अपने अल्फाज दोबारा नहीं देखने, मैं अपने अल्फाज देख लूंगा, ठीक है, आपने तस्वीर उतार के खींच के लिख लिया होगा, लेकिन यार आपने क्या समझा उसमें से? आपने कोई एक्स्ट्रा जो है वो लिखने की कोशिश की है? कोई चीज एक्स्ट्रा जो मैंने समझाई थी वो आपने पॉइंटर उस पर कुछ स्टेरिक वगैरह बनाकर कुछ संगी चीजें करके आपने लिखी या नहीं लिखी? ये तमाम तो चीजें करनी लाजमी होती हैं, इसी को रजिस्टर चेकिंग में जाती है चीज। अदरवाइज मुझे मालूम है मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, मुझे आपकी बार बार कॉपियां चेक करने की जरूरत नहीं है। द रीजन वाई आई विल बी चेकिंग योर रजिस्टर्स, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो कौन सा एक्स्ट्रा यार्ड आप लोगों ने कवर किया है फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, और नोटबुक के लिहाज से फिर आप उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन अदर स्टूडेंट्स, सही है? या वो चीज जो आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग है वो आया सही है या नहीं है, मेक सेंस? तो इस चीज को प्लीज अपने जहन में रखिए कि आप लोग जब कभी भी कोई लेक्चर डिफाइन हो रहा हो या कोई भी चीज डिफाइन हो रही हो, तो आप उसको दोबारा, एक नंबर वन, डू रिविजिट द रिकॉर्डेड लेक्चर, पहली बात। दूसरी चीज, राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सही है, इन योर रजिस्टर, जो आपको बुक में से मिल सकते हैं, जो आपको लेक्चर में से मिल सकते हैं, जो मैंने शायद स्क्रीन पे ना लिखे हों। सो इस तरह से चीजें बनती हैं। इट्स नॉट लाइक व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, आपने किया क्या, स्क्रीन शॉट्स लिए, जो जो मैंने लिखवाया हुआ था वो आपने दोबारा लिख लिया, थम्स अप, वो भी बहुत है। बात से तो ये भी नहीं किया आप, सही है, बात तो ये भी नहीं कर रहे। तो लेकिन मैं फिर वही बात करूँ कि हाउ कैन वी फर्दर इम्प्रूव, वॉट कैन वी डू, सही है, टू इवन इम्प्रूव फर्दर। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है और होपफुली इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है जी? सो वी बेसिकली, अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सी लीडरशिप स्टाइल किया था, कोई मुझे प्लीज बताए, हमने कौन सा लीडरशिप स्टाइल किया था? पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक कर लिया था हम लोगों ने पूरा, उसके हम लोगों ने वो भी देख लिए थे, फायदे देख लिए थे, और उसका मैंने ये बात की थी कि पैटर्नलिस्टिक का इटसेल्फ कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, सही है, और मैंने उसका डिसएडवांटेज नहीं लिखवाया था, सही? इसका डिसएडवांटेज था क्या, यहां से हम लोग बात स्टार्ट करें। पैटर्नलिस्टिक का असल में मैंने डिसएडवांटेज नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि इसके साथ मसला क्या हो सकता है, वो मुझे कोई बताए। इसका इटसेल्फ कोई बुरा, इसकी इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या चीज है जो शायद इंप्लीमेंटेशन में, जी बिल्कुल सही अब्दुल राफे, और बिल्कुल सही बात के साथ, बिल्कुल सही, शाबाश, द वे इट इज इंप्लीमेंटेड, शाबाश, वेल डन। याद रखो, पैटर्नलिस्टिक के अपने कोई नुकसान नहीं, ये मैनेजर जिस तरह से उसको इंप्लीमेंट करेगा कि मुझे कितनी बातों में अपने वर्कर की सुननी है और कितनी बातों में मुझे उसकी नहीं सुननी है, कितनी बातों में मुझे उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है और उसका आइडिया सुनकर उसको मॉडिफाई करके उसको इंप्लीमेंट करना है। बात ऐसी जगहें होंगी जहां मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, सही है, और जहां मैं डिसीजन लूंगा और मैं डिसीजन जस्टिफाई करूंगा, ठीक है? और मुझे कैसे जस्टिफाई करना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसके साथ मैंने ये काम करना है उसको, मैंने उसकी सुनी तो है लेकिन मैंने उसकी की नहीं है, लेकिन मैं उसको जस्टिफिकेशन जरूर दूंगा ताकि वो इस बारे में सेटिस्फाई हो जाए कि व्हाट एवर द डिसीजन हैज बीन मेड इज मेड फॉर हिज बेटरमेंट। जब तक ये चीज नहीं होगी, पैटर्नलिस्टिक के अपने फायदे तो अपनी जगह रहेंगे, ये इंप्लीमेंटेशन फेज के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है? यहां तक हम लोगों ने बात की थी, और अब हम लोग बात करते हैं आखिरी वाले के बारे में, यानी लास्ट जो लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज लेजिस्फेयर, ठीक है? अब उसको लेजास फेरे बोलो या लेजिस फेरे बोलो या कुछ भी बोलो, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो लिखी हुई थी।
अच्छा पहले जरा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि हम लोग फिर उसकी तरफ जाए कि ये चीजें किस तरह से, फिर मैं उसको इन राइटिंग ले आऊंगा। लेजिस्फेयर जो है वो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है उसके टारगेट्स हैं, सही है, उसके कोई जो आपने काम करना है उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो आपने अचीव करना, ठीक है। अब मैं एक बंदा हूं, सही, मैं आपका मैनेजर हूं, आप सबके सब जो है मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूं भाई, ना मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी नहीं कर रहा, ना हम निगोशिएट कर रहे हैं, सही है, ना मैं आपसे आइडिया लेकर आपको तरीका बताऊंगा, सही है। यानी ऑटोक्रेटिक भी नहीं कर रहा मैं, डेमोक्रेटिक भी नहीं कर रहा मैं, पैटर्नलिस्टिक भी नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं यार, मुझे ना रिजल्ट चाहिए, ठीक है, रिजल्ट चाहिए मुझे। CIE 2021 के अंदर आपकी क्लास पे से मुझे ए ग्रेड्स चाहिए, फुल स्टॉप। अब आप ए ग्रेड्स लें, जैसे लेना चाहते हैं लें, मुझे नहीं मालूम आप क्या करने वाले, सही है, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे करते, आपको पता है, सही है, आपको मैं टारगेट बता रहा हूं, और डू वट एवर इट टेक्स वाली कहानी, सही है, डू वट एवर इट टेक्स एंड गेट द रिजल्ट डन। अल्लाह अल्लाह खैर। अब एक बच्चा कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राफे कहता है, राफे प्लान करता है सर मैं सारा साल पढ़ूंगा, सारा साल पढ़ के एक ग्रेड लेकर आऊंगा, अच्छी बात है। नवेरा ने प्लान किया है मैंने पास पेपर्स करने और मैंने जो है वो ए ग्रेड लेकर आना, तरीका इज ऑल फाइन, सही है। सात प्लान करता है कि सर मैं पेपर आउट करवा लूंगा और पेपर आउट करवा के उसे तैयारी कर लूंगा और मेरा ए ग्रेड आ जाएगा, बिल्कुल सही है। खलील ने प्लान किया हुआ है कि जी मैं जो हूँ मैं एग्जामिनर को खरीद लूंगा और कहानी खत्म, मुझे ए ग्रेड आ जाएगा, सही है। इसी तरह से हसन ने प्लान किया हुआ है कि सर मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो हूँ उसको एग्जामिनर को किडनैप कर लूंगा और मुन्ना भाई MBBS वाली कहानी करेंगे, और सर जी ओहो हो सीन ऑन है सर, ठीक है। आप मुझे नहीं मालूम आपका क्या तरीका है, आप पास पेपर करके ए ग्रेड लेकर आ रहे हैं, आप सारा साल मेहनत करके ए ग्रेड लेकर आ रहे हैं, आखिरी के दो दिन पढ़ के ए ग्रेड लेकर आ रहे हैं, एग्जामिनर को आप वो करके हाईजैक किडनैप करके कर रहे हैं, हैक करके पेपर करके ए ग्रेड लेकर आ रहे हैं, मुझे ए ग्रेड चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। आप रिजल्ट ले आए थम्स अप, आप रिजल्ट नहीं लेकर आए लाना द शक्ल, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनली जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार आपने रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से अब होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यू ऑल हैव द फ्रीडम टू वर्क। सबसे बड़ा फायदा जो इसका होता है, सही है, लीडरशिप स्टाइल लेजिस्फेयर का जो होता है, इट्स अ फ्रीडम टू वर्क, ठीक है। आपको फ्रीडम मिलती है, जब फ्रीडम मिलती है तो फिर आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हो, फिर हर एक की डिफरेंट स्किल्स सामने आती है, सही है। लेट इट बी द लीडरशिप स्किल, लेट इट बी द लेजन, लेट इट बी द मॉनिटर, लेट इट बी द रिसोर्स एलोकेटर, लेट इट बी द एंटरप्रेन्योर स्किल्स, लेट इट बी द डिस्टरबेंस हैंडलिंग, मोमेंट्स वर्क वाली बातें हो रही सारी, ठीक है। ये सारी की सारी स्किल्स आपके अंदर से फूट फूट के निकल रही होती है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सीधी बात है। तो फ्रीडम भी मिलती है, पहला फायदा इसका यह कि फ्रीडम भी मिलती है। नंबर टू फायदा इसका ये होता है कि आप जो है वो स्किल्स डेवलप कर पाते हैं, और स्किल्स डेवलप करने की वजह से आपके अंदर एक लीडरशिप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है वो ये कि हर बंदा अपने लिहाज से जब काम करता है तो इनोवेशन तो आती ही आती है, सही है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है, ठीक है। सो जब वो सेल्फ डिसिप्लिन आता है तो उसका मतलब ये कि वो कामों को बेहतर तरीके से कर सकता है, कि उसको पता है कि यार मुझे ये टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव तो करना है मुझे सिर्फ, अब कैसे अचीव करना है ये मेरा काम, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आता है कि यार मैं एक चीज सेट करता हूं, अपने तरीके से करता हूं, और देखो हो जाता, ठीक है ना, बड़ा अच्छा। और मैं मैनेजर, मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया। अब मुझे को बोलता है दानिश आपने क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, मैंने सर जी रिजल्ट ओरिएंटेड पे जा रहा हूं मैं, तो मेरे बच्चों को बोल दिया जैसे जैसे करना है करो, अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की, मुझे क्या जरूरत है उनको लेक्चर्स लिखवाने की, मुझे क्या जरूरत है उनको रोजाना लेक्चर्स देने की, पढ़ लेंगे सर कर लेंगे, परेशानी की बात नहीं, ठीक है। तो मेरे ऊपर से भी बर्डन थोड़ा सा रिलीज हो गया, और मैं अब 10 काम और कर सकता हूं, मैं और फारिग बैठ सकता हूं, सही है। सो ये तो उसके हो गए फायदे कि जी आपके अंदर स्किल डेवलप होगी, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, आपके अंदर लीडरशिप आ गई, और आपके अंदर जो है वो फ्रीडम आ गई, और जो मैनेजर है उसके ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो रिलीज हो गया। लेकिन क्या आपको टीचर की जरूरत रही है? नहीं। क्या आपको मैनेजर की जरूरत रही? नहीं। तो मैनेजर को रखा क्यों? जब एक कॉलेज वाले मुझसे बोलेंगे दानिश आप क्या कर रहे हो, मैं कहा सर मैं जाता हूँ चाय पीता हूँ आ जाता हूँ,
नहीं आप पढ़ाते हैं, नहीं सर जी पढ़ाने की क्या जरूरत है, बच्चों को मैंने उनके काम पे छोड़ा है ना, तो भाई फिर आपको रखने की जरूरत क्या है जब आप पढ़ा ही नहीं रहे, जब आपने सारा काम ही बच्चों पे छोड़ा हुआ है, तो आपके रखने आपको रखने की जरूरत ही कोई नहीं। एकदम से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सही है वो कम हो जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा, आप लोग इतने ज्यादा इसके अंदर अगर मैं इसको बहुत अरसे तक चलाता रहूंगा तो अब होगा क्या कि बहुत अरसे के कुछ अरसे के बाद आप लोगों को आदत हो जाएगी ना इस चीज की कि जी हमसे तो हमें पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, हमें तो सिखाया कुछ जाता नहीं है, सो हम तो खुद से काम करते हैं, जैसे भी काम करना होता है उल्टा सीधा होकर काम करना है वो हमने करना ही है। जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा किसी भी बारे में, अब लेटर ऑन जब कभी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्या आप वो इंस्ट्रक्शन आप मानोगे? नहीं, आप मानोगे नहीं वो इंस्ट्रक्शन, भले वो छोटी इंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, सही है, भले वो कंपनी की इंस्ट्रक्शन क्यों ना हो, आप सिंपल बोलना शुरू करोगे यार देखो बात सुनो यार कंपनी, अब कंपनी डिसीजन ले रही है, मैं नहीं डिसीजन ले रहा, कंपनी डिसीजन ले, ठीक है। कंपनी कहती है कि जी आपको टाइम पे आना है, एम्प्लॉय जो लेजर फेयर पे काम कर रहा हो क्या बोलेगा, सर जी रिजल्ट है ना आ रहा है, टाइम पे आऊं नहीं आपको क्या मसला, जल्दी जा रहा हूँ मेरी मर्जी मैं जा रहा हूँ, क्यों बस जा रहा हूँ सर मैं टारगेट अचीव कर लूंगा सर, आपको परेशान की बात है, आपको सेल से मकसद है ना, आपको कॉस्ट कम करने से मकसद है ना, सर मैं जाऊंगा तो पंखा ही बंद होगा, पंखा बंद होगा कॉस्ट कम हो जाएगी सर, तो भाई मकसद हम तो इसका मतलब ये कि कुछ अरसे के बाद जो एम्प्लॉयज हो गए वो अपने आप को ओनर समझ रहे होंगे, तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई लेजर्स फेयर कैन नॉट बी यूज इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टेन्योर्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये शॉर्ट टर्म टेन्योर्स के लिए इस्तेमाल किया, फॉर अ टाइम बीइंग इस्तेमाल की जा सकती है, फॉर लॉन्ग इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसी वजह से इसको ये वाहिद ऐसी है जिसको कहा जाता है टेम्पररी लीडरशिप स्टाइल, टेम्पररी बेसिस पे काम किया जाता है, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी इसी क्लासिकल एग्जाम्पल वो बनती है कि आप लोग जब अपने स्कूल वगैरह में होते होंगे और आप लोगों के कोई एक फिक्स्चर वाला टीचर आता होगा कि क्लास को एज अ फिक्स्चर लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, टीचर हो गया है किसी दूसरे टीचर जो फ्री था उसको भेजा गया, डेलीगेट किया गया, कहा गया कि जी आप प्लानिंग क्लास में जाइए, आप 9A में जाइए, और 9A में जाके आपका फिक्स्चर है। अब वो टीचर बेचारा आ जाया करता, अब टीचर के तो फिक्स्चर लग गया, अब टीचर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्योंकि टीचर वो सब्जेक्ट टीचर तो है नहीं, वो तो किसी छोटी क्लास का है, किसी दूसरी क्लास का टीचर है। अब वो ओरिजिनली क्या कहेगा, कहेगा बेटा जी आप लोग आराम से कौन सा अपना काम करें, आप लोगों ने बस शोर नहीं करें, आप ये कहेगा रिजल्ट क्या है शोर नहीं करें। अब बीच में जो शरारतें करनी होंगी वो आप करना शुरू कर दो, लेकिन क्या सिर्फ सब्जेक्ट टीचर ऐसा कर सकता है थ्रू आउट द ईयर? नहीं कर सकता, लेकिन फिक्स्चर वाला टीचर क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर बस उसको वो ट्रबल नहीं चाहिए थी, That is the reason why आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे कंपनीज करती क्या है कि ऑटोक्रेटिक पे काम कर रही होती हैं थ्योरी एक्स के लिए, सही है, और देखती हैं थोड़ी सी ना एकदम से डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो रही है, डिस्टर्बेंस कौन सी वाली, वो मिड्सबर्ग वाली डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो कहती है ओके हम डायरेक्टली तो जंप कर नहीं सकते ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक के ऊपर, हम हो जाते पैटर्नलिस्ट। अब ट्रांजिशन के अंदर क्या हुआ कि कुछ अरसे तक काम चलता रहा, फिर पता चला फिर डिस्टर्बेंस हैंडलिंग आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए हम होए लेजर्स फेयर ताकि बच्चा रिलैक्स हो जाए, और फिर हम वापस आए किसके अंदर, पैटर्नलिस्टिक के अंदर या डेमोक्रेटिक के अंदर वापस आए, तो ये फॉर अ टाइम बीइंग होता है और चला जाता है, फॉर अ टाइम बीइंग होता है और चला जाता है, सही है। सो दिस इज हाउ ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो रियलिटी के अंदर अप्लाई होता है, ये वाहिद लीडरशिप स्टाइल है जो टेम्पररी समझा जाता है, सही है। और ये किस तरह की कंडीशन में समझा जाता है, कब ये अप्लाई किया जाता है, जब आपका मैनेजर relatively कम experienced हो आपके employees से, सही है। तो अगर तो for example कोई छोटी क्लास का टीचर आ गया है, अब उसको छोटी क्लास के टीचर को आपकी केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, आपके अकाउंट समझ ही नहीं आती, तो आपको समझा तो नहीं सकता, पढ़ा तो नहीं सकता, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप शायद उस पर्टिकुलर मोमेंट पर रिलेटिवली ज्यादा एक्सपीरियंस होते हो एज कम्पेयर टू द टीचर, की नॉलेज होती है लेकिन आप सब्जेक्ट के लिहाज से जो पेपर में कंप्लीट कर चुके होंगे उस लिहाज से शायद वो टीचर उतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, देयरफॉर वो आगे नहीं पढ़ाता, ठीक है। इसी तरह से जब मैनेजर्स के साथ होता है तो मैनेजर्स भी ये चीज देखते हैं कि जब कभी भी उनके जो टीममेट्स हैं जिनके जिस टीम के साथ वो काम कर रहा होता है वो टीम के लोग ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो वो इंस्ट्रक्ट नहीं करता, वो रिजल्ट ओरिएंटेड पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रीमियर लीग ले लो, फुटबॉल के प्रीमियर लीग ले लो, क्रिकेट के प्रीमियर लीग ले लो, अब प्रीमियर लीग लेने में होता क्या है
कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएसएल की बात करते हैं, अब पीएसएल के अंदर जी दुनिया भर के प्लेयर्स आए हैं, अब वॉटसन भी आया हुआ है, तो जी वो कौन सा है वो इंग्लैंड का जो कैप्टन है वो भी आया हुआ, सब खेल रहे, अब इनको इंस्ट्रक्ट थोड़ी करेगा यार वो, यार तुमने ना वॉटसन तुमने बॉलिंग सीधी करवानी, कहना बात सुनो मैं वॉटसन हूँ, मजाक नहीं हूँ, अब मेसी है या रोनाल्डो है, अब उसको बैठ के समझाया जा रहा है तुमने पास सही करना, बात सुनो मैं रोनाल्डो हूँ भाई, दुनिया भर का महंगा तरीन फुटबॉलर हूँ मैं इस वक्त, और इतने मैंने वो गोल्डन बूट्स लिए हुए, तो मुझे समझा रहे हो तुम्हें उससे ज्यादा आता है, नहीं नहीं कर सकते, क्या तुमने अपना रोल प्ले करना है, तुमने वो मेंटोरिंग करनी है, तुमने जो नए बच्चे नई कॉम आ रही है उसको सिखाना है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना, तुम्हें जैसे काम करना है तुम्हें पता है तुम्हारी रेपुटेशन मैटर कर रही है इसमें तुम्हारे साथ, तो तुम कोई चीज डंडी मारोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अल्लाह खैर सलाह। ये वो चीज होती है जो शायद उस पर्टिकुलर मोमेंट पर इस्तेमाल की जाती है, अदरवाइज अगर आप बैठ के किसी एक्सपीरियंस बंदे को सिखाना शुरू कर दोगे कि यार मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसे करना, तो कहेगा बेटा जी आप खुद ही कर लो, मैंने तो झक मारे इतने सालों में एक्सपर्ट बनने में, तो व्हेन मैनेजर हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो मैनेजर इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता अपने एम्प्लॉइज को हाउ टू डू द पर्टिकुलर जॉब, हाउ टू डू द टास्क, हाउ टू अचीव अ सर्टेन गोल, उसको सिर्फ कम्युनिकेट कर देना होता है क्या ये काम करना है, अब वो उसके काम सही। सो इसी तरह से अब हुआ ये, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, कल मेरे घर के में कुछ मजदूर आए हुए थे और उन्होंने कुछ प्लास्टर वगैरह करना था, नीचे कुछ सीलिंग वगैरह आ गई थी उस पर प्लास्टर करना, अब अपेरेंटली स्पीकिंग उन्होंने सामने लाके मिट्टी भी डाल दी, सीमेंट भी डाल दिया, प्लास्टर करना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे थोड़ा सा, मैं फारिग था तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार ये आप कौन सी मिट्टी लेकर आए, मैंने थोड़ा सा ना उनसे बातें करनी शुरू की, बातें करने का वैसे ही शौक है मुझे, तो उन्होंने कहा जी फलानी मिट्टी है, ये सीमेंट है ये। अच्छा मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा बात सुनो ये जो आप एक्स वाला जो आप वो लेकर आए हुए हैं या ए सीमेंट जो लेकर आए हुए, ये आप लेकर क्यों आए, आपने बी सीमेंट क्यों इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी सुनी नहीं है, उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। मैंने उनसे फिर सवाल पूछा, मेरा जो ठेकेदार था मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा यार आपने ए सीमेंट क्यों लिया, आपने बी सीमेंट क्यों लिया, कह रहा हमारी मर्जी, हमें पता है कौन सी चीज कहाँ लगती। मैंने नहीं यार ये तो लो क्वालिटी का नहीं है सीमेंट, मेरा ख्याल है ये तो लो क्वालिटी का सीमेंट। कहने लगा भैया हम अभी सिर्फ और सिर्फ सीलन छुपा रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं ए क्वालिटी का सीमेंट डाल के वो जो कौन सा वो पड़ेगा, तो हमें पता है हमें क्या काम करना है, तो हमें अपना काम करने दे, आप परेशान क्यों कर रहे हैं, आप जाए अंदर बैठे आराम से, बेइज्जती हो। आई वॉज नॉट देयर टू इंस्ट्रक्ट देम, आई वॉज जस्ट देयर टू गेट द इंफॉर्मेशन, बट दे बेसिकली वर सो इनटू देयर वर्क कि उन्होंने कहा हमें फजूल के चारने आठने वाली जो बातें ना इसके ऊपर हम लोगों ने कंसिडरेशन लेकर ही नहीं, यानी इसकी बात सुना ही नहीं, तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी कच्ची हो गई, फिर वो भी काम करते रहे, मैं भी घर में बैठा रहा आराम से सुकून से इंजॉय करते रहे, सही है, मेरी कल इस तरह से बेइज्जती हुई थी। खैर तो अब सिचुएशन इस तरह से कि ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, अब मैं इसको, तो हमने लेजर स्फीयर का अप्रोप्रिएशन भी देख ली, हम लोगों ने लेजर स्फीयर की डिसएडवांटेज भी देख लिया, हमने लेजर स्फीयर के जो है जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात भी कर ली। अब ये जितनी बातें मैंने की इन सबको हम लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी जो टॉपिक हमारे पास आएगा दैट इज अबाउट के लीडरशिप के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें जहन में रखने होंगे, सही, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, अगर वो फैक्टर्स चेंज होना, वो कंडीशंस चेंज होनी शुरू हो जाए तो खुद ब खुद ही मेरा मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा, मैं ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक हो जाऊंगा, डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक हो जाऊंगा, सही, मेरा मूड शिफ्ट होगा, सही है। मैं पैटर्नलिस्टिक में हूंगा तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में चला जाऊंगा, मैं पैटर्नलिस्टिक में हूंगा तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स वे में आ जाऊंगा, मैं लेजर स्फीयर में चला जाऊंगा टेम्परेरी बेसिस पर, वो कौन से फैक्टर्स है जिससे मेरी एकदम से ये ट्रांजिशन होती रहेगी, ठीक है। ये दो बातें हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, एंड विल बी एबल टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ लीडरशिप टुडे होपफुली इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू, ओके देयर इज अ क्वेश्चन आई गेस द वे, ओके फाइन जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वट एवर आई हैव सेड, उसकी हम लोग अब डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, तो
ओके जी, सो ये हमारे पास डिस्कशन थी जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोगों ने ये बात की थी कि लास्ट असाइनमेंट का रिव्यू मुझे चाहिए था, और ये हम लोगों ने पैटर्नलिस्टिक के बारे में बात की हुई थी. ठीक है, पैटर्नलिस्टिक की वो एक हमने डायग्राम भी बनाई थी, फिर रिमेम्बर दैट, और ये चीज़ हम लोगों ने की थी. इसका एक सेल्फ कोई डिसएडवांटेज नहीं था, और अब हम लोग बात कर रहे हैं, आज का तारीख है 14.
ठीक है। तो ये हम लोगों ने बातें तीनों जो की थी वो यही बातें आ गई यहाँ पर भी कि हमारे पास जो डिपेंडेंस शो करते हैं, सो उससे फायदा ये होता है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है, जब टाइम बच जाता है सो देयर इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग और आप फिर अगली चीजों के लिए काम करना शुरू करें। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गए इसके डिसएडवांटेजेस। अच्छा जी, ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट असल में है क्या, आमतौर पे जब आप लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं तो आप अपना सा एक कल्चर बना लेते हैं। कल्चर होता क्या है, द वे यू बिहेव, द वे यू परफॉर्म वर्क, द वे यू एक्ट, सही है। अब ये जो कल्चर है ना, ये कंपनी का होता है, ठीक है। जैसे हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, एक तरह का कल्चर होता है, ठीक है। बास कॉलेजेस हैं जिसमें टीचर्स को कहा गया है कि जी आप को बहुत ज्यादा ड्रेस शर्ट और बिल्कुल फॉर्मल अटायर में आना है और आपको टाई लगा के आना है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो मैं इस तरह कॉलेज में जाते हैं तो अब बाद जगह पे कहा गया जी रिलैक्सेशन है, ठीक है, यू शुड बी टाइडी इनफ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप शॉर्ट्स पहन के पहुंच जाए, ठीक है। मैं ऐसे कॉलेज में भी नहीं पढ़ाता। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि एक तरह का कल्चर है, हर एक का एक अपना कल्चर, ठीक है। एक कॉलेज है, नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का, उस कॉलेज का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो ये है कि रिगार्डलेस बच्चे को समझ आए ना आए, आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, ठीक है। अब टीचर को अंग्रेजी आए ना आए, बच्चे को अंग्रेजी समझ आए ना आए, बात अंग्रेजी में हो। अब टीचर की भी गुलाबी अंग्रेजी
और स्टूडेंट की उनसे ज्यादा गुलाबी अंग्रेजी। तो टीचर बताना चाहता है कुछ, बेचारा अपनी अंग्रेजी की वजह से कहता है कुछ, सिर्फ बच्चे की समझ में आता है कुछ और वो लिखता है कुछ और, तो अंडरस्टैंडिंग जीरो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी खुश है कि जी हमारे यहाँ हर कोई किटपिट अंग्रेजी बोल रहा है, सही है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब उनका असल में क्या है, अंग्रेजी बोलनी है। सो ये वो चीजें होती है जब एक कल्चर है, हर चीज का एक कल्चर है। अब जब मैंने आप पे काम छोड़ दिया तो हर एक ने अपने लिहाज से काम किया, अब उसको अपना लिहाज अपना काम जो है हर एक को अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो भी कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब सुबह को मुंह हाथ धोकर तैयार होकर जब मैं निकलने लगा था तो मैं अपने आप को अच्छा लगा, ठीक है। इसी तरह से हर कोई अपने आप को अच्छा लग सकता है, और जरूरी नहीं कि अगर मैं अपने आप को अच्छा लग रहा था तो मैं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है ना। इसी वजह से जिस तरह एक कल्चर में आप लोग काम कर रहे होंगे वो आपको पसंदीदा होगा, लेकिन क्या वो कल्चर कंपनी कल्चर से मेंटेन होगा? नहीं। एंड दैट इज द रीजन वाई लॉन्ग टर्म में जब चलाया जाएगा तो आपकी आदत बन जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए चलो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप उससे पीछे नहीं हटोगे। जब पीछे नहीं हटोगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिजास्टर। सो इस वजह से आमतौर पर जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेजर स्पेयर के लिहाज से, सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर लेजर स्पेयर को सिर्फ स्विच ऑन करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके लोगों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्विच थिंग, टेम्पररी बेसिस स्विच ऑन किया गया और स्विच ऑफ कर दिया गया, जब वो काम हो जाएगा स्विच ऑफ कर दें। दोबारा हम कहां पर आ जाएंगे, या तो पैटर्नलिस्टिक पे होंगे या ऑटोक्रेटिक पे होंगे या डेमोक्रेटिक, ठीक है जी। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, या तो आपके पास कोई ऐसा टॉप टारगेट हो जो शॉर्ट टर्म हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करके आप थोड़ी सी चीज को इम्प्रूव भी इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्ट कॉम्पिटिशन, आर्ट सही है, ड्राइंग का या किसी भी तरह का, ठीक, या कोई आपका जैसे यहाँ पर होता है वेल्स कॉलेज में होता है ऑनलाइन गेम्स का एक होता है इनका इवेंट होता है जिसमें वो डोटा और पबजी और सीएस और डिफरेंट गेम्स को जो है सॉकर वगैरह उसके कंप्यूटर पे गेम्स खिलाता है। अब फॉर अ टाइम भी उसे उस इवेंट के लिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, खेले जैसे खेल, ठीक है, तो उस वक्त के लिए हाथ से आपको दे दिया गया और जैसे ही वो खत्म होगा, इवेंट खत्म होगा, दोबारा यू क्योंकि उसमें लास्ट ईयर था या पता नहीं उससे पहले साल था के इवन द टीचर्स वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, तो टीचर्स वर आल्सो वर प्लेइंग द गेम्स, ठीक है, और उस पे वो भी इसी तरह से जिस तरह से बच्चे थे उसी तरह से टीचर्स जो थे वो भी उस पे पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फॉरथ, तो एवरीवन वाज इक्वल। तो ये चीजें पॉसिबल हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस इवेंट के लिए हुआ था वे टीचर एंड स्टूडेंट वर इक्वल, और जैसे ही वो आपके पास वो इवेंट खत्म हुआ तो टीचर्स एकदम से आपको दोबारा से मैनेजर्स बन गया, ठीक है जी। सो देर कुड बी अ चांस के देर इज सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमारे पास जो आखिरी टॉपिक आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है।
पहला जो फैक्टर है जो हमारे पास ये आपके सारे लीडरशिप स्टाइल्स को एकदम से स्विच करने में आपको वो करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज द टास्क इटसेल्फ। क्या टास्क ऐसा है जिसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जरूरी है? अगर एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है तो भाई अभी डेमोक्रेटिक क्यों हो रहे? सही है। अगर ये बहुत क्रिटिकल किस्म के नेचर का है तो भाई अब ऑटोक्रेटिक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि क्रिटिकल के लिए तो ऑटोक्रेटिक होता है। एम्प्लॉय एक्सपर्ट है तो भाई क्यों बिला वजह में उनसे नेगोशिएशन कर रहे हो, क्यों उनसे बैठकर नेगोशिएट कर रहे हो? वो एक्सपर्ट्स है भाई, दे नो देयर वर्क वेल, लेट इट बी लेस फेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि काम जो है वो जैसा काम होगा उस तरह से आपको अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि आपको कौन सा पसंद है। काम इटसेल्फ विल डिफाइन, विल डिसाइड कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल उस काम के लिए अप्रोप्रिएट होगा, और वो क्या होगा, वो बेसिकली कंपनी की पॉलिसी। नंबर टू, कंपनी पॉलिसी। अब रिगार्डलेस के काम क्या है, हो सकता है कंपनी के पॉलिसी हो, भाई हम सिर्फ दो चीजों में चल सकते हैं, या हम ऑटोक्रेटिक होंगे या हम लोग पैटर्नलिस्टिक होंगे, कहानी खत्म, पैसा खत्म। डेमोक्रेटिक और रेजिस्टर को निकाल के बाहर फेंकेंगे। नो डाउट आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, रियलिटी कहती क्या है, एक्सपर्ट्स के साथ कैसे हैंडल करोगे, लेजिस्फेयर। लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या है, यू कैन नॉट गो अदर देन पैटर्नलिस्टिक एंड ऑटोक्रेटिक, आपके पास ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आप अपने लिहाज से तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि यू आर नॉट ऑथराइज, तो आपको वो काम करना है जो कंपनी आउट गई। तो एट टाइम्स कंपनी की पॉलिसी जो है ना इटसेल्फ रिस्ट्रिक्ट्स यू टू स्टे इन और टू गेट थिंग्स डन विद इन certain leadership style and which basically makes the particular task little bit more difficult, kyunki jo sahi tarika hota hai wo aap apply kar nahi pa rahe hote hain, kaun sa tarika apply karna hai jo company ne kaha hai, hence a total disaster. theek hai, nikal its effect. number 3, time availability. एक काम को करने के लिए, एक टास्क को करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल, द मोर द टाइम द मोर रिलैक्स यू आर, द लेस द टाइम द मोर स्ट्रिक्ट यू आर। ठीक है, सो इसके लिए एक जो इक्वेशन बनती है दैट इज स्ट्रिक्टनेस, सही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रिक्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम अवेलेबल। स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी जब टाइम कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज वन अपॉन, सही है, तो ये इनवर्स सिचुएशन है। स्ट्रिक्टनेस के बढ़ने से टाइम, अगर टाइम इन हैंड जब कम होगा तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनका, कि जितनी स्ट्रिक्टनेस कम होगी इसका मतलब टाइम ज्यादा है आपके पास, सही है, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होगी इसका मतलब टाइम कम है आपके पास। ठीक है जी, सो ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे जैसे हमारे पास ये जो कंडीशन है, और स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या, ऑटोक्रेटिक, और लीस्ट स्ट्रिक्ट कौन सा होता है, लेजर स्फेयर, अगेन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है, किस चीज पर काम हो रहा है, क्या आपका कॉम्पिटेटर इस वक्त डेमोक्रेटिक हुआ हुआ है, क्या आपका कॉम्पिटेटर इस वक्त ऑटोक्रेटिक हुआ हुआ है, क्या आपका कॉम्पिटेटर पैटर्नलिस्टिक हुआ हुआ है, क्या उसने एम्प्लॉय को खुली छूट दी हुई है, अगर दी हुई है तो याद रखो आप भी वो काम कर सकते हो, आप भी वो काम कर सकते हो या आपने वो काम करना है, ये दोनों अब आपकी कंपनी पॉलिसी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक होने के बाद टीचर्स की सैलरीज या सबकी सैलरीज वगैरह जो थी उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से आया कि जी आप डिडक्शन कर सकते, तो 10% से 15% के डिडक्शन की बात आई। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे, कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जिन्होंने कहा कि हम लोग जो है, पहले सब ने ना सैलरीज देनी शुरू की, सही है, सैलरीज देते गए, उसके बाद उनको लगा कि यार हम तो कमा ही नहीं रहे, अब जब कमा नहीं रहे तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं पैसे काट करते हैं, तो पहले ना बड़ा झिझक के ना कि गवर्नमेंट ने कहा, खुद से तो दिल चाह रहा था, खुद से तो दिल चाह रहा था पैसे ही ना दूं, ठीक है ना। अब पॉइंट ये था के बड़े डर डर के एक कॉलेज ने या एक कंपनी ने कुछ पैसे काटे, जैसे ही काटे उसने शेयर दे दी किसको, दूसरे कॉलेज को, दूसरे स्कूल को, दूसरे कंपनी को, अब तो एकदम से रेला चल, ठीक है,
और फिर सबने वही काम किया, क्योंकि सबने फिर यही कहना शुरू कर दिया कि जी हमें तो गवर्नमेंट ने कहा। अच्छा फिर आई बात, चलो अब आपके पास ये चीज आ रही है, पैसे बचे शुरू हो गए, अच्छा कॉलेजेस और कंपनीज वाला खुश, स्कूल्स की बात करते, स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने फिर फर्दा दे दिया कि जी क्योंकि सैलरीज कम हुई ऐसे फीस भी कम हो। ओहो, वो एकदम से वही स्कूल्स और कॉलेजेस जिन्होंने बगैर सोचे समझे सैलरीज काटनी शुरू कर दी थी, दे लिटरली मेड अ हेल कि हम कैसे वो हम बंद करें, फीस रिड्यूस करें, मीनिंग उस वक्त रेजिस्टेंस शो की, तो सब कॉलेजेस रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। जैसे ही कुछ कॉलेजेस ने कहा, स्कूल्स ने कहा कि ठीक है हम लोग रिलैक्सेशन देना शुरू करते हैं, यू आर बाउंड टू डू इट, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि एट टाइम्स जो आपका क्या नाम है इसका, जो कंपटीशन है वो आपको बहुत सारे काम करवाता है जो आप नहीं भी चाह रहे हो, तो वो भी करना पड़ता है, ठीक है। सो कंपटीशन कैन डेराइव, अगर कंपटीशन ऑटोक्रेटिक पे जा रहा है तो आप भी ऑटोक्रेटिक पे जा सकते हैं, जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते डिपेंड है आप। लेकिन अगर आपका कॉम्पिटेटर डेमोक्रेटिक हो गया है तो अब आपको डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा कि हर वो चीज जो एम्प्लॉय को पसंद होती है एम्प्लॉय वहां जाता है, सही है। और लास्ट जो फैक्टर है दैट इज वर्कर्स एक्सपीरियंस। जो वर्कर हैं जिनके साथ आपने लीडरशिप स्टाइल मेंटेन करना है उनका एक्सपीरियंस कितना, अगर तो वो बहुत एक्सपीरियंस है तो एक्सपर्ट होगा तो लेदर स्पे पे चले जाओ, अगर वो नहीं है न्यू लोग हैं सही है उनका एक्सपर्ट उनके एक्सपीरियंस नहीं है और वो नए हैं तो पटेनल स्टे पे भी जा सकते हो। आपको पता चलता है कि जी एक्सपीरियंस है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो फिर आप ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो कि ये तमाम तर जितनी भी बातें हमने पढ़ी वो चारों फैक्टर्स, चारों लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, और चारों फैक्टर्स के बारे में बात करने के बाद फिर उनकी अप्रोप्रिएशन, फायदे नुकसान के बारे में बात की, फिर फैक्टर्स की बात की, ये क्या है भाई, ये सारी बातें जो थी वो क्या थी कि सारे का सारा जो ये मलबा है कि जी कौन सा एम्प्लॉय कैसे हैंडल, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा का सारा जो खेल है, ये खेल है असल में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लोगों। थ्योरी एक्स के लिए तो हमें पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर मालूम है बेटा इसको तो हैंडल करना ही करना, आपने किस में है ऑटोक्रेटिक वे में, देयर इज नो वे आउट। अब वाई क्योंकि डिफरेंट फैशन का है, डिफरेंट माइंडसेट का है, सही है, तो उसको हैंडल करने के टेक्निक्स, उसके लिए हम लोगों ने सब चीजें पढ़ी। यहां पर हमारी क्लास हो गई खत्म, ठीक है जी। और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग मोटिवेशन इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ ली, सारी थ्योरी 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 पढ़ ली, अब बताओ रियलिटी में करना किस तरह से, कैसे करना है, क्या करें तो चीजें हमें मिलेंगी, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। फाइन जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद नए जज्बे और नई एनर्जी के, ठीक है जी। जाए जी, इंजॉय करें, मैं जरा इसको पहले छोटा कर देता हूँ सो दैट आप इसकी जो तस्वीर किसी ने खींचनी है तो वो तस्वीर खींच लें। That's the class. ठीक है जी, जाएंगे, enjoy करें, have fun.